दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड का मुकाबला खेला गया। दोस्तों इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई है। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हो गया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का ये मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम को 400 रन का टारगेट दे दिया। रीजा हेनरिक ने 85 रन की पारी खेली, हेनरिक क्लासेन ने 109 रन की पारी खेली। तो दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है और इंग्लैंड की टीम ये मैच हार गई है और इंग्लैंड की टीम 170 रन में ऑल आउट हो गई और पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हो गया है। दोस्तों आपको बता दें पॉइंट टेबल में पहली पोजीशन पर 8 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड की टीम है, दूसरी पोजीशन पर 8 पॉइंट के साथ टीम इंडिया है, तीसरी पोजीशन पर अब साउथ अफ्रीका की टीम 6 पॉइंट के साथ आ गई है। तो दोस्तों चौथी पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसी के साथ साथ पांचवी पोजीशन पर 4 पॉइंट के साथ पाकिस्तान की टीम है। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 काफ़ी रोमांच हो गया है। अब वर्ल्ड कप 2023 में तमाम मुकाबले खतरनाक हो रहे हैं। तो दोस्तों कल टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेला जाना है, ये मुकाबला भी खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।